हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। हमारी मीडिया टीम SR24 न्यूज आज बस्ती के महारानी होटल पे यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के माननीय काशीराम साहब के 17वें महापरिनिर्वाण दिवस को मनाया जा रहा है। बड़ी धूमधाम से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी। लेकिन हमने जो सर्वे किया हूँ पूरे जनपद, बस्ती जनपद की 5 विधानसभा होती है, 5ों विधानसभा में लोगों का कहना कि जब तक जिले की जिला अध्यक्ष और भी पदाधिकारी को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक आगे पार्टी आपकी बढ़ नहीं सकती है। इस पर आपका क्या कहना? आप बहुत पहले पुराने कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी, वो भी विधानसभा के जुझारू विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, और आपके रहते हुए कई बार आपके विधानसभा के प्रत्याशी जीते हुए हैं, कैबिनेट में मंत्री भी बने हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? थोड़ा आप लोग आगे आइए। आपका नाम? मैं सीताराम शास्त्री, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता वरिष्ठ। आपको बताना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा ही प्रमुख चीज़ है। मैं आपको बताऊँगा कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी कारण से कहीं कमज़ोर नहीं है। रही कार्यकर्ता पदाधिकारियों की कमियाँ, वो दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हमारी बहन जी जो करेंगी वही हम लोग मानेंगे। लेकिन हम लोग 5ों विधानसभा में यहाँ पर यही तो, आप क्या नाम है? आप भी बहुजन समाज पुराने का? सुभाष चौधरी। क्या ये बताइए, जो लोगों को जनता में कुछ रोष है, सामने नहीं मुंह पे बोल पा रहे हैं, हमारे कैमरे पे भी नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन जिला अध्यक्ष और जो ऊपर पदाधिकारी लोग बैठे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, यह क्या, कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ नहीं है। सारे लोग बहन जी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उनके आधार बताए हुए चिन्हों पर चल रहे हैं, उसमें सब। तब क्यों लगातार 2012 से पार्टी का ग्राफ गिरते जा रहा है? अपने जनपद में एक भी सीटें नहीं निकल रही हैं। ग्राफ नहीं गिर रहा। कहीं ना कहीं कमजोरी है ना? नहीं नहीं, अभी जल्द ही विधानसभा का चुनाव हुआ है, समीक्षा अगर करेंगे इस जिले में तो 22% वोट मिला है। परसेंट नहीं, सीट एक नहीं निकल पाई। सीट देखती, परसेंटेज नहीं देखता कोई। सीट नहीं निकली, उस चुनाव में एक माहौल बन गया कि भाजपा इस जिले में, केवल इस जिले में कि माहौल बन गया कि समाजवादी पार्टी भाजपा को। अरे पूरे प्रदेश में भी नहीं निकल पाई एक सीट निकली है बलिया। परसेंटेज हमारा डाउन नहीं हुआ वोट का परसेंटेज। तब कहाँ गया वोट आपका? हमारे पास है परसेंटेज, आप कल्पना कीजिए, समीक्षा कीजिए, हम बता रहे हैं इस जिले में कितना परसेंटेज। लेकिन ये क्या नाराजगी जो लोगों के सामने, हमारे कैमरे में नहीं बोले लेकिन अंदर अंदर घुटन जैसा महसूस कर रहे हैं जो वोट देते हैं वो भी? कुछ नहीं मिल रहा है ना, क्यों महसूस हो रहा है सारे कार्यकर्ता। क्या नाम आपका? हमारा नाम सुभाष चौधरी है। मनोबल ऊंचा करके सारे कार्यकर्ता संगठन में लगे हुए हैं। आने वाले दिन में बहन जी को दिल्ली में बैठाएंगे, पीएम बनेंगी, आप देखते रहिए। आप बस्ती की बात बताइए, दूसरे जगह की बात छोड़ दीजिए। बस्ती में बसपा को अगर सीट मिलेगी तो MP बना करके कार्यकर्ता भेजेंगे,